नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार श्रीलंका का नीलम। देखिए कितना गाढ़ा इसका रंग है, कितनी गजब की ट्रांसपेरेंसी है। दोस्तों, इस पीस की खासियत यह है कि आई जो भारत सरकार की अधिकृत लैब है, वहाँ से इसका मैंने सर्टिफिकेट कराया है और इसमें स्पष्ट लिखा है नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, अर्थात यह पीस बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल कुदरती है। इस पीस का वजन, इसका प्राइस, आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस पीस का वजन है 5.76 कैरेट और पक्की रत्ती बनती है 6.40 पक्की रत्ती, यानी कि 6.40 पक्की रत्ती में यह पीस है और भारत सरकार की अधिकृत लैब के द्वारा प्रमाणित है। स्पष्ट सर्टिफिकेट में आप देख रहे हैं नेचुरल ब्लू सफायर वेरीफाई ऑफ कोरोनम एंड नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग। इसकी कीमत हमने रखी है 22,000 रुपये पर कैरेट। दोस्तों, इस तरह से यह पीस बनता है 1,26,000 रुपये का। आपको आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका प्राइस रखा है, बहुत ही कम प्राइस आपके लिए मैंने रखे हैं, क्योंकि यदि आप नेचुरल श्रीलंका में ऐसी ट्रांसपेरेंसी, इतनी ज़्यादा चमक, इतनी अच्छी कटिंग और मज़े की बात कि बिल्कुल कुदरती पत्थर है, नेचुरल कलर में आप अगर श्रीलंका का कोई भी रत्न लोगे तो 2.5-3 लाख से कम आमतौर पर नहीं आता। दोस्तों, बहुत ही रिजनेबल प्राइस हमने यहाँ पर रखे हैं, 1,26,000 रुपये, बहुत शानदार रत्न है। और दोस्तों, यदि आप इससे सस्ते या इससे महंगे रत्न श्रीलंका के अच्छे नीलम पुखराज खरीदना चाहते हैं, पन्ना खरीदना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रातःकाल 10 बजे लेकर रात्रि 11 बजे तक मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहता हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।